नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी के इस चैनल पर। आज जो टॉपिक लिया है हमने, आज के सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट जो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मैं इसके महत्व को बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेगमेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये आधुनिक भारत के संदर्भ में है। अगर आप MPPSC या किसी और स्टेट की PSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो आप छोटी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप NTPC की दे रहे हैं या SSC दे रहे हैं या व्यापम की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही ईजी वे में डिज़ाइन किया है आपके लिए, स्पेशली गवर्नर जनरल को पढ़ने के लिए। जब हम आधुनिक भारत में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है गवर्नर जनरल, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं आपके पास। तो इसको समझने के लिए इसके चार टुकड़े करे हैं मैंने, तो चार अलग अलग पार्ट में अपन चार अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसको समझ लेंगे। और अगर मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताता हूँ तो अगर हम इसका पहले भाग को अगर पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी के अधीन आने वाले गवर्नर जनरल के बारे में, क्योंकि हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कंपनी के अधीन हमारे पास कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, तो आपको पता चलेगा मोटे तौर पर कि लगभग 7 ऐसे गवर्नर जनरल हैं या 7 ऐसे नाम हैं जो हमको याद रखने चाहिए, क्योंकि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल आए थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इनेक्ट होंगे। और जैसे वॉरेन हेस्टिंग हो गए, कार्नवालिस हो गए, सर जॉन शोर हो गए, वैलीजली हो गए, मिंटो प्रथम हो गए, इस प्रकार के वॉरेन हेस्टिंग से लेकर एमरहर्स्ट तक, ये जितने भी हमारे पास नाम हैं इन सभी की डिटेल में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दूसरे वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कंपनी के अधीन जो थे, फिर जब हमारे पास नया चार्टर्ड एक्ट आता है, चार्टर्ड एक्ट 1833 का, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से हमने क्या करा था, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो हमारे पास कुछ लगभग 6 नाम हैं विशेष प्रकार से, जैसे हमारे पास विलियम जो है हमारे पास बेंटिक हो गए, सबसे पहला नाम विलियम बेंटिक ले लेते हैं, 1828 से लेकर 1835 तक ही हमारे रहेंगे भारत के गवर्नर जनरल। इसके बाद आने वाले मेटकॉफ हो जाएंगे, ऑकलैंड आ जाएंगे, बोरो आ जाएंगे, हार्डिंग हो जाएंगे। लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे हम डलहौजी को पढ़ लेंगे, डलहौजी साहब हमारे पास 1856 तक रहने वाले हैं, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसके बाद जो हमारे पास परिवर्तन आता है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, तो उस परिवर्तन के तहत हमारे पास एक नया पद आएगा वायसराय, उसके बारे में बात करेंगे। मैं भी आपको बहुत जल्दी बताना चाह रहा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो। तो पार्ट सी के अंदर हम भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 पार्ट तो देख लिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, और आपके दूसरा हो गया भारत के गवर्नर जनरल, और तीसरा हो गया भारत के वायसराय, चौथा पार्ट कौन सा लेके आऊँगा मैं स्पेशल, तो स्पेशल कुछ ज़्यादा नहीं किया है खास। चौथे पार्ट में हम ये करेंगे 1900 के बाद से, क्योंकि हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चालू होता है कांग्रेस की स्थापना से होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉर्ड कार्नवालिस से स्टार्ट करेंगे चौथा वीडियो, तो लॉर्ड कर्जन से स्टार्ट करेंगे, 1905 तक कर्जन रहने वाले हैं हमारे पास, कर्जन से लेकर हम जो माउंट बैटन है 1948 तक, तो 1900 से लेकर 1948, इस बीच में हमारे पास जितने भी लगभग 10 जो हैं वायसराय रहेंगे या गवर्नर जनरल रहेंगे, इनके बारे में हम एक पृथक वीडियो से पढ़ेंगे। कुल मिला के 4 वीडियो हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से जो कि आज की क्लास है। तो अब हम पढ़ते हैं भारत में आने वाले गवर्नर या कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल।